आज हम बात करेंगे कोलाइडल के बारे में। आखिर कोलाइडल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टीज है कि वो हमारे रियल आंख से विजिबल नहीं होता, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है और इसमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। अब ये जो मिल्क है आपका, यह एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होने के कारण इसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन भी कहते हैं। यह बात आज हम प्रूफ करेंगे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि कैसे मिल्क एक हेट्रोजीनियस सब्सटेंस है या इसे एक कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। तो आइए हम अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। जब हम इसके ऊपर लाइट डालेंगे तो आप देख रहे हैं कि प्रकाश कैसे जा रहा है और यहाँ कोई भी स्कैटरिंग नहीं हो रही, यानी इसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो लाइट का स्कैटरिंग नहीं कर रहे हैं, आपको साफ दिख रहा है। देखिए, जब हम मिल्क पे प्रकाश डाल रहे हैं तो कैसे लाइट पार नहीं कर रहा है, बल्कि यह स्कैटरिंग यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। किस तरह से यहाँ पे स्कैटरिंग हो रही है आप देख पा रहे हैं, इसको गौर से देखिए, यहाँ पे स्कैटरिंग हो रही है और यहाँ लाइट पास नहीं कर रहा है। ये हम इस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, जिस वजह से इनमें जो पार्टिकल है, जो कि हेट्रोजीनियस पार्टिकल है, ये पार्टिकल आपको नॉर्मल आइज से नहीं दिखेंगे, लेकिन इस पार्टिकल में इतनी कैपेसिटी होती है कि यह स्कैटरिंग करता है। इस वजह से लाइट बाहर नहीं जा रहा है और ये पार्टिकल यहीं पे ऑब्जर्व करके लाइट को फिर उसको बिखेर रहे हैं। इसी को हम टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो देखा आपने कैसे मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन। आई होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे कि कैसे लाइट के पड़ने से वो अपना स्कैटरिंग दिखा रहा है और वाटर नहीं दिखा रहा है। तो जिन भी सॉल्यूशन में स्कैटरिंग देखने को मिलता है उस सॉल्यूशन को हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। आई होप अब मुझे यह नहीं बताना पड़ेगा कि स्कैटरिंग किसे कहते हैं। अगर आपको यह जानना है कि स्कैटरिंग किसे कहते हैं तो पहले जाकर हमारा प्रीवियस वीडियो देख लें, उसमें मैंने अच्छे तरीके से बताया है कि स्कैटरिंग किसे कहते हैं। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माया एकेडमी चैनल।